दोस्तों फिल्म एक्ट्रेस का रंग रूप देखकर हर कोई उनके जैसा बनने की ख्वाहिश करने लगता है, लेकिन आपको बता दें कि जितना दिखाया जाता है उतना होता नहीं है। असल में फिल्म एक्ट्रेस का ये गेटअप ज्यादा से ज्यादा मेकअप और कैमरे की सफाई से किया जाता है, जो कि एक्ट्रेस की खूबसूरती को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है। यही वजह है कि मेकअप के बाद कुछ आम सी दिखने वाली एक्ट्रेसेस भी हूर की परी लगने लगती हैं। कुछ अदाकाराएं तो इतना मेकअप करती हैं कि इनके मेकअप का खर्चा ही लाखों रुपए होता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो कौन सी एक्ट्रेसेस हैं जो करवाती हैं सबसे ज्यादा मेकअप और कहलाती हैं मेकअप क्वीन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। नंबर वन, रेखा। सन 1970 की फिल्म सावन भादों से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली रेखा आज भी अवार्ड फंक्शन और बॉलीवुड पार्टीज में देखी जाती हैं। रेखा को शुरू से ही मेकअप का काफी शौक रहा है। इन्हें आज भी काफी ज्यादा मेकअप करते देखा जाता है। यही वजह है कि 64 साल अदाकारा रेखा को देखकर कोई भी उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता। नंबर टू, बिपाशा बासु। बिपाशा बासु सिर्फ एक अदाकारा ही नहीं बल्कि एक कमाल की मॉडल भी हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड के लिए भी एड करती हैं। फिटनेस पर खास ध्यान देने वाली बिपाशा बॉलीवुड में अपने स्लिम फिगर के लिए जानी जाती हैं। बता दें कि बिपाशा भी उन अदाकाराओं में शामिल हैं जो कि अपनी खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए भारी मेकअप का इस्तेमाल करती हैं। नंबर थ्री, कंगना रनौत। बोल्ड अदाकाराओं में शुमार की जाने वाली कंगना रनौत सुर्खियों में आने के लिए कुछ भी कर गुजरने से नहीं चूकती। कंगना को अक्सर हद से ज्यादा मेकअप में देखा जाता है। इतना ही नहीं, कंगना कुछ अलग दिखने के लिए हर एक फिल्म में अपना लुक जरूर चेंज करती हैं। नंबर फोर, रानी मुखर्जी। सुपरहिट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी बॉलीवुड की सांवली अदाकाराओं में शुमार होती हैं। बावजूद इसके रानी मुखर्जी का रंग अक्सर पर्दे पर और अवार्ड शो में काफी गोरा लगता है, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि रानी मुखर्जी मेकअप को एक अदाकारा की जिंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा मानती हैं। यही वजह है कि उन्हें अक्सर भारी मेकअप में देखा जाता है। नंबर फाइव, विद्या बालन। टीवी सीरियल से फिल्मों में एंट्री करने वाली विद्या बालन भी दर्शकों के बीच अपनी बड़ी पहचान बनाने के लिए काफी स्ट्रगल कर चुकी हैं। पहले आम सी दिखने वाली विद्या आज मेकअप के कमाल से काफी ग्लैमरस नजर आती हैं। सूत्रों की माने तो विद्या को फिल्म सेट्स पर सबसे ज्यादा टाइम मेकअप में ही लगता है। फिल्म भूल भुलैया और डर्टी पिक्चर में उनकी वेशभूषा की काफी चर्चा भी हुई है। तो दोस्तों, इन अदाकाराओं के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।